बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने आज हुई पीटी परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया। पेपर लीक को लेकर आयोग ने यह फैसला किया है। बता दें कि आज 67वीं पीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसका पेपर परीक्षा से पहले ही आउट हो गया और क्वेश्चन पेपर वायरल होने के बाद जमकर हंगामा भी हुआ। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया था, जिस कमेटी को कल तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन महज चंद घंटों के अंदर ही यह रिपोर्ट सामने आ गई और इसी को आधार बनाते हुए पीटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि आयोग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आगे यह परीक्षा कब ली जाएगी। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया था और दावा किया जा रहा था कि टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह पेपर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जमकर हंगामा भी किया था। लगा तो उनका पास उनका लगा फोन वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर OMR और प्रश्न पत्र पहले ही भेज दिया गया था। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे भोजपुर के जिलाधिकारी और SP ने छात्रों से बात करने के बाद कॉलेज के कर्मियों से भी बात की, जिसके बाद जिलाधिकारी से छात्रों ने कहा कि आप लोग लिखित में शिकायत दे दीजिए, शिकायत मिलने के बाद मैं आयोग को भेज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले पर 24 घंटे में जांच का मामला सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया गया था। हालांकि बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा था और परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के मेल ID पर वायरल क्वेश्चन पेपर की भी कॉपी अटैच कर दी थी। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से भी संज्ञान लिया गया और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कड़े रुख के कारण ही बीपीएससी ने तत्काल परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।